ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी बहुत अच्छी सुबह हुई है, मंगलवार की प्यारी प्यारी सी सुबह है और आप सब कोई को गुड मॉर्निंग। तो मैंने जैसा बताया था कि जेंडर प्रिडिक्शन एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ उसके ऊपर बनाए हैं, तो वही वीडियो का अगला पार्ट भी समझ लीजिए आप। मैंने कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके निकाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने क्या निकाले हैं, मैंने थोड़े से रिसर्च वगैरह किए हैं, तो कुछ ऐसे साइंटिफिक जो तरीके होते हैं उससे भी पता चलता है कि आपको ज़्यादा चांसेस लड़का होने के हो सकते हैं या फिर लड़की होने के हो सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, अगर आपकी मन की जो इच्छा है इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम लोग देखें ह्यूमन बींग है और इच्छाएँ तो बहुत अनंत होती हैं, हमारी इच्छाएँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। अगर आपको एक लड़का है तो आप सोचिएगा कि आपकी अगली संतान है वो एक लड़की हो, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग ये सोचिएगा, क्योंकि फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और हम सब अपनी फैमिली को बहुत ही प्यार करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में लड़का भी रहे लड़की भी रहे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जिनको लड़की हो रही है पहले से, वो भी ये सोचेंगे कि अगली बार हमें लड़का हो जाए, तो ये सोचना बट ऑब्वियस ही बात है, नेचुरल है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा मतलब ये नहीं सोचिए, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग जो कि गलत करते हैं उनके लिए मैं तो यही बात बोलूँगी कि उनकी सोच को पहले सही करना पड़ेगा। लेकिन जो इसीलिए उन कुछ लोगों की वजह से ये जो चीज़ें हैं इलीगल बना दी गई हैं और जेंडर प्रिडिक्शन नहीं होता है या फिर उनकी जांच करना एकदम जुर्म है, बहुत सारी सज़ाएं हैं इसके ऊपर, तो ये सब ज़्यादा कुछ पछड़ा में पड़ना ही नहीं है। बस हम लोग एक गेस कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए देख रहे हैं। चलो, अब देना नहीं देना तो भगवान के हाथ में ना, वो आपको क्या दे रहा है, आपके कर्म है वही आपके फल होंगे, तो इसलिए आप इनकी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसके बारे में मत सोचिए, बस एक फ़न है, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट है, इसलिए बस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जो जेंडर प्रिडिक्शन जितनी भी आप वीडियोस देख लीजिए, कोई भी आपको 100% क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान खुद के बच्चे के बारे में नहीं जान सकता, तो आपके बच्चे के बारे में क्या बताएगा, और कोई नहीं जान सकता, या तो आपके कितने भी परसेंट चांसेस क्यों ना हो, 1% तो वेरिएशन रहता ही रहता है कि आपको वही होगा जो आपको भगवान ने दिया है। थोड़ा सा आप अपने तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाई हैं। देखिए, लड़का होने के कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं। सबसे पहले, जो लड़का या लड़की होना एक क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि जो फीमेल जो होती हैं, जो पत्नी होती हैं, उनमें आपको XX क्रोमोसोम मिलता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो हस्बैंड होते हैं उनमें XY होता है। तो जो वेरिएशन होती है वो हस्बैंड में ही होती है, बट उनको भी नहीं पता होता है कि उनका कौन सा क्रोमोसोम चला गया, या एक्स चला गया या वाई चला गया। अगर मान लीजिए कि एक्स चला जाता है तो गर्ल होती है, और वाई चला जाता है तो बॉय होता है। तो उसी तरह से कुछ ऐसे चीज़ें देखी गई हैं, एक्स क्रोमोसोम की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वाई की अलग है, तो उनमें हम क्या सिमिलैरिटीज़ निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो 2 से 3 मतलब दिन तक अलाइव रह सकता है, उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम होता है, जिससे कि लड़का होने के चांसेस बनते हैं, उसको हम लोग नोटिस करते हैं कि ये 24 से 25 घंटे ही सिर्फ, यानी कि 24 घंटे यानी एक दिन ही रहता है, तो इसकी जो लाइफ स्पैन है काफ़ी कम होती है। तो आपको करना क्या होता है कि आपको, जैसे कि आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉनिटर करना पड़ता है कि आपकी साइकिल जो कितने दिन की चल रही है, 28 दिन की चल रही है, 30 दिन की चल रही है, 32, या फिर आपके अकॉर्डिंग, तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेड आप ओव्यूलेशन डे का पता लगा सकते हैं। अगली जो वीडियो आएगी वो ओव्यूलेशन डे के ऊपर आएगी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ लोगों को तो पता नहीं होता ओव्यूलेशन कब आके चला गया। ओव्यूलेशन यानी कि एग रिलीज होना, कब पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपको सटीक वो डे पता रहेगा या फिर एक्सपेक्टेड भी पता रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएँ। और लड़का होने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें थोड़ी रिसर्च वगैरह की, तो मैंने ये भी पाया कि आप लोग बहुत सारे जो लोग मतलब जानते होंगे, वो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब आपको जो पुत्र रत्न की जो प्राप्ति होने के लिए आपके क्या क्या उपाय हैं, जैसे कि, जैसे उसको मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि आपको पुत्र हुआ, आप अपने हिसाब से आप चूज़ करिए कि आपके परिवार में लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो जो लड़की होती है वो कब कब कंसीव हो सकती है, और जब लड़का होता है वो कब कब कंसीव होने के उसके चांसेस बनते हैं। तो जैसे कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उसको आप D1 की तरफ से नोटिस करिए, आपको कैलेंडर पे पूरा एक चार्ट बनाना पड़ेगा। आप 10वें दिन के बाद से थोड़े से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अगर आपका वेरिएशन 28 दिन का है या 30 दिन का है या 32 दिन का है, किसी भी दिन का हो, लेकिन आपको 10 दिन के बाद से थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा कि कब आप ओव्यूलेट कर रही हैं।
तो जो 10th डे होता है, 12th डे होता है, 14th डे होता है, यानी कि इवन नंबर्स, अगर आप इवन नंबर्स में आप रिलेशन प्लान करते हैं तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको लड़का कंसीव होगा। उसी तरह अगर आप ऑड डेज यानी कि फर्टाइल पीरियड, जो फर्टाइल पीरियड होता है मतलब 10 से 14 जो दिन होता है उसके बीच में, अब ऑड डेज में अगर रिलेशन प्लान करते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लड़की होगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, 11th डे आपने प्लान किया या 13, 15, 17, जो ये फर्टाइल पीरियड उनकी बात कर रही हूँ स्पेशली, क्योंकि उसके बाद तो कोई मतलब नहीं बनता है, उसके बाद वो एग रिलीज़ हो जाता है, तो फर्टिलाइज अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रही फर्टिलाइज हुआ तो वो नेक्स्ट साइकिल में वो सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इवन नंबर होता है उस दिन अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर ऑड नंबर में अगर रिलेशन प्लान करते हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपने आपको क्या चाहिए उसके ऊपर आप देख लीजिए। और हमेशा की तरह मैं यही बात बोलूँगी कि मेरा चैनल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, दोनों बच्चे इक्वल हैं, क्योंकि एज मैं ट्विन मॉम हूँ, मेरे दोनों ही बच्चे हैं, मेरा लड़का भी है, मेरी लड़की भी है, तो मुझे दोनों ही प्यारे हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और ओवल्यूशन के ऊपर मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि ओवल्यूशन में आप कैसे जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।